अगर हम आपसे सवाल करेंगे किसी का भी सब लोग यहाँ सवाल करने का अधिकार मिला, लेकिन हमारे हिंदुओं का सवाल, हमारे देवी देवता का क्यों, किसी का सवाल हिंदू है लेकिन वो हिंदू नमस्कार। जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। ये वीडियो आपने जो शुरुआत में देखा है शायद ही आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से देश में माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये वीडियो क्लिप समझने के बाद ये भी आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल इस वीडियो में जब डॉक्टर रतनलाल जब कोर्ट से बाहर आए तो कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये पूरी घटना जनता आवाज के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन इस पर बाद में जब गहराई से इस वीडियो क्लिप को सुना तब इसके बारे में पता चला। जी हां साथियों, आप एक बार पुनः सुने इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। सुना साथियों, इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मारो मारो, जो प्रोफेसर रतनलाल को मारने की बात कह रहे हैं, उन पर हमला करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें आप गाली को साफ साफ सुन सकते हैं। जिस जगह पर गाली का यूज किया गया हम उसे नहीं सुना सकते हैं, उस जगह पर हम बीप का यूज कर रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर रतनलाल पर हमले की बात की जा रही है, उन पर हमला करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतने में ही वहां के वकील हैं वो आकर के कहते हैं कि कौन है जो उन पर हाथ लगाएगा, कौन है जो उन पर हमला करेगा, किसकी हिम्मत है जो हाथ लगा के तो दिखाए। अगर ये एडवोकेट सामने नहीं आते, अपनी हिम्मत नहीं दिखाते, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कोई बड़ी घटना घटने की पूरी पूरी आशंका थी। ये वीडियो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के सामने का है। ये वीडियो उस वक्त का है जब डॉक्टर रतनलाल जमानत के बाद बाहर आते हैं। 21 तारीख का यानी कि 21 मई का ये पूरा मामला है, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, आप एक बार फिर सुनिए। तो साथी आप देख सकते हैं देश में किस तरह से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर रतनलाल को ज्ञानवापी मस्जिद में कथित वायरल पोस्ट के नाम पर उन्हें अरेस्ट किया गया था। लेकिन साथियों यहाँ पर बात ये होती है कि अगर जिस पोस्ट में डॉक्टर रतनलाल जी ने अपनी पोस्ट में जो लिखा है
उससे किसी धर्म की आस्था को ठेस कैसे पहुंच सकती है। जब तक कोई वस्तु ये साबित नहीं हो पाई है कि ये शिवलिंग ही है या और कुछ या फब्बारा है, तो ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस कैसे पहुंच सकती है, ये एक बड़ा विषय है। जिस प्रकार से देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मुस्लिम की लिंचिंग की जाती है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मुस्लिम समझकर जैनियों की हत्या कर दी जाती है और मीडिया में छाया रहता है कि मुस्लिम समझकर जैनियों की हत्या। क्या अगर वो व्यक्ति मुस्लिम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि मुस्लिम समझकर जैन युवक की हत्या, ये एक अलग बात है। क्या अगर वो मुस्लिम होता तो ये कोई अपराध नहीं होता, ये सोचने वाली बात है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी ओर एक पक्ष द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें ये फब्बारा है, इसे कैसे साबित कर सकते हैं, वहां पर कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है, वहां पर कोई नल नहीं है, तो वो चीज फब्बारा कैसे हो सकती है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि साक्षात भगवान भोले शंकर है, उनकी जटाओं से पूरी गंगा निकलती है, आप वहां पर सवाल क्यों नहीं करते हैं। भोले शंकर की जटाओं से गंगा कौन सी मोटर के द्वारा, कौन सी मशीन के द्वारा निकलती है, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। क्या रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, अपराध, इन सब के खिलाफ आवाज उठाना, सच्चाई दुनिया को बताना विवादित माना जाता है, आपकी क्या राय है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नमस्कार।